तो आज हम बात करेंगे यार, देखो यार कितनी बड़ी गाड़ी है ये, देखो ये सुजुकी जो वो डी मैक्स गाड़ी है ये, जैसे वो पीछे नहीं हम इसमें स्पेस रख सकते आराम से, कितनी ज्यादा मतलब डाला नहीं कहते जिसको, वो चीज है देखो इसमें कितनी जबरदस्त है यार, कितनी लंबी गाड़ी है ये है भाई सुजुकी हाईलैंडर। तो आज मैं ना आपको बताऊंगा ये कि गाड़ी प्रैक्टिकली है कैसी, मतलब क्या सीटिंग कैपेसिटी है और पीछे क्या कुछ है इसमें फीचर्स वगैरह, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो भाई इसमें ना सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है जो कि ये है, इसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा वेरिएंट नहीं आते, और सिर्फ इसमें यही एक वेरिएंट आता है जिसकी लुक्स वगैरह ऐसी कुछ है। भाई सबसे पहले बात करें इसमें सिंपल हमें लाइट में हैलोजन मिल जाते हैं और एक पार्किंग मिल जाती है, यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है, कोई इसमें प्रोजेक्टर वगैरह जैसे ऐसे नहीं है, इसमें भी कोई टॉप मॉडल हाईलैंडर का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मॉडल आता है इसका। और यहाँ पे फॉग लैंप हम एक्सेसरी के पार्ट में लगवा सकते हैं बट इसमें अभी नहीं आते, तो ऐसा कुछ है देख सकते हो सेंटर में सुजुकी का लोगो यहाँ पे, और ऐसी कुछ थोड़ी सी ना ग्रे फिनिश मिल जाती है जो कि अच्छी लग रही है। ऐसी कुछ अभी इसकी रेडिएटर ग्रिल फ्रंट से, और यहाँ पे नंबर प्लेट की स्पेस मिल जाती है। तो यार फ्रंट से लुक चेक करो और भाई ऊँची देखो आप कितनी गाड़ी है, इतनी ऊँची गाड़ी है ना। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है हमें, और साइड लुक की बात करें तो ऐसी कुछ मिल जाती है इसमें हमें साइड लुक, देखो आप कितनी लंबी है यार गाड़ी। और साइड से टायर की बात करें तो इसमें हमें मिल जाते हैं सिर्फ व्हील कैप मिलते हैं, कोई अलॉय व्हील वगैरह कुछ नहीं मिलते। और टायर साइज़ की बात करें तो इसमें हमें 245/70R16 इंचज़ के टायर मिल जाते हैं इसमें हमें, और साइड में फेंडर पे इसका इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ ORVM पे कोई इंडिकेटर नहीं मिलता इसमें, जैसे यहाँ पे नहीं होता काफ़ी गाड़ियों में, वो चीज़ नहीं है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हो आप हाईलैंडर की बैजिंग क्रोम फिनिश में, और देख सकते हो भाई 5-सीटर गाड़ी है, यहाँ तक इसमें आराम से 5 जने बैठ सकते हैं, और बाकी स्पेस मिल जाती है इसमें पीछे, मतलब जितने मर्जी सामान इसमें लोड कर सकते हैं हम अपना, जितना मर्जी देख सकते हो आप। तो भाई ये चीज़ दिख रही है ना, ये ना शुरू से नहीं आती यार कंपनी से, ये चीज़ लगी हुई है ना ब्लैकिश है जो मतलब एक्सेसरी का पार्ट है ये, एक इसमें ना मतलब लगवा सकते हैं फिर ना गाड़ी पे, जैसे जंग वगैरह नहीं लगती, पानी वगैरह लगते हैं, वो चीज़ नहीं होती, और अच्छी लग रही है यार। देखो आप कितनी बड़ी गाड़ी है ये, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस चेक करो पीछे से, देखो कितनी अच्छी है यार, देखो काफ़ी ज़्यादा मैसिव, मतलब एक तरह से ना ट्रक लगता है ये, ट्रक जैसी है बिल्कुल गाड़ी है। और यहाँ से हम इसका फ्यूल भरवा सकते हैं इस गाड़ी में, और इसके यहाँ पे मड फ्लैप्स लगे हुए हैं, और ऐसी कुछ है इसके पीछे से लुक, लुक चेक करो आप इसके पीछे से, यहाँ पे ऐसी कुछ इसमें टेल लाइट मिल जाती है जिसपे ऊपर हैलोजन है सारी, यहाँ पे ब्रेक के साथ है ऑरेंज इंडिकेटर, और यहाँ पे रिवर्स मतलब गियर लगाते हैं तब लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे सुजुकी डी मैक्स की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग मिल रही है, और क्रोम के साथ हमें मिल रहा है इसका ये लॉक अनलॉक करने के लिए, हाँ ये खुला ही पड़ा है देखो, और इतना ज़्यादा हैवी है ना यार ये, देख सकते हो अब कितनी ज़्यादा स्पेस है इसमें, और ऐसे बंद हो गया है देख। और यहाँ पे DDI की बैजिंग, अगर इसकी मैं इंजन की बात करूँ तो इसमें हमें 1.9 लीटर का जिसमें कि 160 BHP की पावर मिल जाती है हमें, 360 Nm टॉर्क मिल जाता है इसमें हमें, और पीछे यहाँ पे बम्पर पे हमें मिल जाते हैं 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, देख सकते हैं कि यहाँ पे उस तरफ और यहाँ पे नीचे नंबर प्लेट की स्पेस मिल जाती है इसमें। और बात करें इसकी साइड से तो इस तरफ से ऐसी कुछ है यार ये, तो ना चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ अंदर, तो सबसे पहले तो यार देखो यार ये ऐसा कुछ है इसका डोर, अंदर बैठ के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ऐसी कुछ इसमें हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से मतलब हाइट अप डाउन कर सकते हैं थोड़ी सी, और बैठते हैं। अरे तो इतनी ऊँची है ना गाड़ी ये, थोड़ी बैठने में भी दिक्कत आती है इसमें। बात करें सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की तो ऐसा कुछ है, ऑल ब्लैक डोर है इसका, कोई मतलब डुअल टोन टच वगैरह कुछ नहीं दिया इसमें। यहाँ पे नीचे एक बोतल होल्डर स्पेस मिल जाती है 1 लीटर की आराम से, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, और इसमें सिर्फ हमें फ्रंट 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पीकर वगैरह कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे मिल जाते हैं चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं हम इसको, और ये चाइल्ड सेफ्टी के लिए मिल जाए। और ड्राइवर साइड है जो ना पावर विंडो, ये ऑटो
डाउन मिल जाते हैं इसमें, एक सेकंड में ऑन करके दिखाता हूँ। तो ऐसे कुछ की मिल जाती है भाई इसमें हमें, सिंपल डिसेंट सी सुजू की बैजिंग मिल जाती है इस पर, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, तो ऐसा कुछ मिल जाता है भाई। इसका MID देख सकते हो आप, ये ना नीडल्स ऊपर जाके फिर नीचे आती हैं वापस, जो कि अच्छी लगती है यार बहुत। और ऐसा कुछ है देख सकते हो, ड्राइवर साइड डोर डाउन तो है बट अपन ही है, सिर्फ डाउन है ये। और यार मिरर चेक करो आप, कितने ज़्यादा बड़े मिल जाते हैं इसमें ORBMs। और अगर किसी को चढ़ना है ना, ड्राइवर को या किसी को भी को पैसेंजर तरफ भी, तो हमें यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है इस तरफ देख। और ऐसा कुछ अभी इसमें MID, जिसमें हमें 6000 तक RPM की मार्किंग मिल जाती है और 220 टॉप स्पीड, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है, ये ना सिर्फ डीजल में ही आती है गाड़ी, कोई पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। और इसमें MID में अच्छे खासे फीचर हैं, यहाँ पे फ्यूल वगैरह, कूल और हीट वगैरह शो होती है, और ट्रिप वगैरह सारा कुछ है इसमें मतलब की। और बात करें इसके स्टेयरिंग की, तो ऐसा डिसेंट सा अच्छा लग रहा है, जो कि स्टेयरिंग मिल जाता है इसमें Isuzu की बैजिंग, कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है इस पर, बटन वगैरह स्टेयरिंग पर सिंपल है डिसेंट। और यहाँ पे इसकी लाइट के कंट्रोल हैं, और इस तरफ मिल जाते हैं हमें वाइपर के कंट्रोल्स, और ऐसा कुछ है इसका सेंटर का कंसोल। इसमें ना कुछ भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ नहीं मिलता हमें, सिर्फ ऐसे 2 DM मिल जाते हैं इसमें खाली छोड़े हुए, एक ये बंदे खाली होते हैं। इसमें हम आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, और कंपनी भी आपको लगा कर दे सकती है अगर आप चाहें तो। और यहाँ से इसका हैजार्ड लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस यहाँ मिल जाती है इसमें। और बात करें यहाँ पे इसके AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं मैनुअली, कोई ऑटोमेटिक वगैरह कुछ नहीं है इसमें। और 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाता है इसमें, गेयर देखो यार कितना बड़ा है यार, काफ़ी ठीक है। और बात करें इसकी हैंड ब्रेक की, तो इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है हमें, यार लग देखो कितनी सॉफ्ट रही है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा भी हैंड ब्रेक लग रही है या नहीं। और यहाँ पे स्पेस मिल जाती है अच्छी खासी, इसमें 2 glass holder मिल जाते हैं, और फैब्रिक की सीट्स मिल जाती हैं इसमें हमें। और बात करें इस तरफ, तो इसमें 2 glove box मिल जाते हैं हमें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नीचे, डिसेंट हैं, अच्छे हैं, काफ़ी ठीक स्पेस है। और सेंटर के AC के वेंट्स यहाँ मिल रहे हैं हमें, एक इस तरफ एक इस तरफ, और साइड का ऐसा कुछ है इसमें। और इसमें हमें 2 airbag मिल जाते हैं, एक को पैसेंजर तरफ और एक यहाँ पे ड्राइवर साइड मिल जाता है। और को पैसेंजर की डोर की बात करें, तो ऐसा कुछ मिल जाता है वहाँ पे, पावर विंडो कंट्रोल, ऑल ब्लैक डोर ओपनर, डोर पुल कर सकते हैं यहाँ से, और नीचे 1 liter बॉटल होल्डर स्पेस, और फ्रंट में स्पीकर मिल जाता है इसमें। और तो ठीक है यार, गाड़ी डिसेंट सी है, और यहाँ पे कुछ नहीं मिलता हमें, खाली है बिल्कुल। और डे नाइट के साथ हमें मिल जाता है IRBM, बट मैनुअली है ये। और यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ मिल जाता है हमें इस तरफ, और ऐसे कुछ इसमें ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, और फ्रंट के हेडरेस्ट इसमें एडजस्टेबल हैं। और ऐसे कुछ है पीछे से गाड़ी देख सकते हो, स्पेस वगैरह 5 लोग आराम से बैठ जाएं, कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं है इसमें। और स्पेस वगैरह देख सकते हो आप, ठीक है, मैं जाके दिखाता हूँ एक सेकेंड आपको पीछे। और इसकी सीट बेल्ट की बात करें, तो ये ना हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है इसमें, यहाँ से हाइट अप और डाउन कर सकते हैं इसकी हम। और डोर्स वगैरह यार काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं इसके। और बात करें अंदर जाने की, तो ऐसी कुछ है यार, ये पीछे का डोर चेक करो आप। इसमें हमें यहाँ पे एक पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे मतलब ब्लैक में वो मिल जाता है इसका डोर ओपनर। और स्पेस चेक करो यार आप, नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बस यार ना इसका थोड़ा ना थाई स्पोर्ट नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब फिर भी अच्छा है यार, फील आ रही है। हाँ इतनी ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ियाँ बैठे हैं हम यार, चेक करो ऐसा कुछ लुक आता है पीछे से डैशबोर्ड का, फ्रंट डैशबोर्ड का। और यहाँ पे देख सकते हो USB का पोर्ट मिल जाता है हमें एक, और यहाँ पे बंद मिल जाता है। और इसकी 60-40 फुल ही है सीट। और ऐसा कुछ इसमें मिल जाता है भाई हमें आर्मरेस्ट, इसमें ग्लास होल्डर नहीं मिलता हमें। और तो ठीक है यार, गाड़ी देख सकते हो आप कितनी बड़ी है। और यहाँ पे मिरर मिल जाता है, यहाँ से हम पीछे भी देख सकते हैं भी क्या हमारा सामान वगैरह ठीक पड़ा है या नहीं, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीछे के हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल हैं इसमें, यहाँ से आराम से एडजस्ट कर सकते हैं इनको। तो अगर भाई मैं इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, तो ये गाड़ी पड़ेगी हमें 21,53,000, मतलब 21.5 lakh की पड़ेगी ऑन रोड गाड़ी।
तो देख सकते हो यार कितनी ज्यादा, मतलब इसमें हमें कुछ सामान वगैरह आराम से अपना कुछ कैरी करके ले जाना है ना, तो जितना मर्जी सामान इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं हम कोई। तो ठीक है यार, गाड़ी देखा जाए ओवरऑल इसमें अंदर 5 जने भी आराम से बैठ सकते हैं और पीछे सामान भी लोड कर सकते हैं जितना मर्जी। तो ऐसी कुछ है यार एक गाड़ी, इसुजु की हाईलैंडर। तो देखो यार कितनी ज़्यादा बढ़िया है यार। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो भाई। तो ठीक है, सब्सक्राइब मेरे चैनल को।